नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर पहुंचकर सबसे पहले ग्वालियर के प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक रथ पर सवार हुए। दोनों ने रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो को देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का पुष्प वर्षा कर अभिवादन किया। अचलेश्वर मंदिर से लेकर नदी गेट तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। यह रोड शो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा था। इसका स्वागत जगह जगह किया गया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फूलबाग मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा की। उसके बाद लाडली बहनों ने भी अपने प्यारे भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर उतारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर वासियों को 387 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए उनसे वायदा किया कि वह कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल मन से तत्काल सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के लिए मंच से गाना भी गाया। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से उनके दुख दर्द दूर करने का वादा करते हुए कहा कि मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के साथ संवाद भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि लाडली बहना को मिलने वाली राशि 3,000 और उनकी आमदनी 10,000 तक करने की उनकी कोशिश है और वह हर कीमत पर इसे पूरा करके रहेंगे। मंच पर इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के अलावा भाजपा के अन्य शिक्षा
सारा अच्छा समाप्त कर देगा। और आज ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलनी चाहिए कि नहीं, चलनी चाहिए कि नहीं? अगर अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना भी कांग्रेस की सरकार बंद करके रख देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या एक भी वोट मिलना चाहिए? बताओ मुझे मेरी बहनों, मिलना चाहिए कांग्रेस को? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक ऐसा सीरियल है जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने दिन और रात, सीरियल का नाम है कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति, भ्रष्टाचार का डबल दिया था हम लोग भारत को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यो सीएम ने एक वाक्य इस्तेमाल किया जाता है, नॉट दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस को इस चुनाव में, अरे बोलो मेरे सर, कांग्रेस को इस चुनाव में नॉट करके जारी चंबल की नदी में हम लोग विसर्जन कर दे, यही मेरा हम सबसे निवेदन है। और अपने भाई को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।